आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट, ये हमारा यूनिट नंबर 2, टॉपिक द वुडन बाउल, पेज नंबर 14, फर्स्ट लेक्चर है इसका। और स्टार्ट द वर्ड मीनिंग। शेयर हिस्सेदार। रिपीट आफ्टर मी, शेयर हिस्सेदार। नेक्स्ट वर्ड, क्वाइट खामोश। प्रीवियस वर्ड, शेयर्ड, हिस्सेदार, क्वाइट खामोश। मिडल दरमियान। रिपीट मी, मिडल दरमियान। कारपेंटर बढ़ाई। अब मेरे साथ पढ़े, कारपेंटर बढ़ाई। प्रीवियस वर्ड्स, शेयर्ड, हिस्सेदार, क्वाइट खामोश, मिडल दरमियान, कारपेंटर बढ़ाई। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, फेमस मशहूर। रिपीट आफ्टर मी, फेमस मशहूर। प्रीवियस वर्ड देखे, शेयर, हिस्सेदार, क्वाइट खामोश, मिडल दरमियान, कारपेंटर बढ़ाई, फेमस मशहूर। नेक्स्ट वर्ड, अर्न कमाना। नेक्स्ट वर्ड, क्रेविंग मुजस्मा। प्रीवियस वर्ड देखे, शेयर, हिस्सेदार, क्वाइट खामोश, मिडल दरमियान, कारपेंटर बढ़ाई, फेमस मशहूर। अर्न कमाना, क्रेविंग मुजस्मा। नेक्स्ट वर्ड, यंग जवान। रिपीट करें, यंग जवान। नेक्स्ट वर्ड, वॉच देखना। रिपीट करें मेरे साथ, वॉच देखना। कम टू द प्रीवियस वर्ड, शेयर, हिस्सेदार, क्वाइट खामोश, मिडल दरमियान, कारपेंटर पढ़ाई, फेमस मशहूर, अर्न कमाना, क्रेविंग मुजस्मा, यंग जवान, वॉच देखना। नेक्स्ट वर्ड, पिचिंग दिलकश। रिपीट करें, पिचिंग दिलकश। नेक्स्ट वर्ड, कैरिंग ले जाना। नेक्स्ट वर्ड, हैमर हथौड़ा। रिपीट करें, हैमर हथौड़ा। नाउ कम टू द प्रीवियस वर्ड्स, पिचिंग दिलकश, कैरिंग ले जाना, हैमर हथौड़ा। नेक्स्ट वर्ड, सॉ आरा। रिपीट करें, सॉ आरा। नेक्स्ट वर्ड, शेप शक्ल बनाना। रिपीट करें, शेप शक्ल बनाना। नेक्स्ट वर्ड, गेटिंग हासिल करना। रिपीट करें, गेटिंग हासिल करना। नेक्स्ट वर्ड, स्ट्रॉन्ग मजबूत। रिपीट करें, स्ट्रॉन्ग मजबूत। नेक्स्ट वर्ड है, नॉडेड सर हिलाना। रिपीट करें, नॉडेड सर हिलाना। नेक्स्ट वर्ड, क्लैम्सी बेसलिका। रिपीट करें, क्लैम्सी बेसलिका। नेक्स्ट वर्ड है, ब्रोक टूटना। रिपीट करें, ब्रोक टूटना। कम टू द प्रीवियस वर्ड, फिचिंग
दिलकश कैरिंग ले जाना, हैमर हथौड़ा, सॉ आरा। नेक्स्ट वर्ड है शेप, शक्ल बनाना, गेटिंग हासिल करना, स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्ट्रॉन्ग मजबूत, नॉर्डिड सर हिलाना, क्लैम्सी बेसलीका, ब्रो टूटना। नाउ स्टार्ट द ट्रांसलेशन, अब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं इसकी जल्दी से। वंस अपॉन अ टाइम अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड कर्ट। एक दफ़ा का जिक्र है, जर्मनी के एक छोटे कस्बे में एक आदमी रहता था जिसका नाम कर्ट था, ही लिव विद हिज सन मैनफर्ड एंड हिज डॉटर इन लॉ चेकला। वो रहता था अपने बेटे और अपनी बहू के साथ। दे ऑल शेयर्ड अ लिटल ओल्ड हाउस एट द एंड ऑफ क्वाइट स्ट्रीट इन द मिडल ऑफ टाउन। वो सब मिलकर शेयर करके एक पुराने घर में, जो कि कस्बे के दरमियान में और एक खामोश गली में था। मैनफर वाज अ कारपेंटर एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप टू द हाउस। मैनफर जो था वो एक बढ़ई था, वो सारा दिन अपना गुजारता था अपनी वर्कशॉप में जो उसके घर के साथ थी। ही हैड लर्न कारपेंट्री फ्रॉम हिज फादर। उसने ये काम अपने फादर से सीखा था। ही हैड लर्न कारपेंट्री फ्रॉम हिज फादर हु हैड बीन अ फेमस कारपेंटर इन हिज डेज। हु हैड बीन अ फेमस कारपेंटर इन हिज डेज। वो अपने वक्त का एक मशहूर बढ़ई था। कर्ट हैड टॉट हिज सन वेल एंड ही सन अर्न टू गुड लिविंग। कर्ट हैड टॉट हिज सन वेल एंड द सन अर्न अ गुड लिविंग। कर्ट ने अपने बेटे को ये काम बहुत अच्छे से सिखाया था और वो इसके ज़रिए कमा के अच्छा गुजारा करता था। ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन। ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन। वो टाउन के कस्बे के लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था। एंड फॉर टाइम टू टाइम ही डिड सम क्रेविंग। और कभी कभार वो कुछ मुजस्मा साजी भी करता था। द यंग कपल मैनफर्ड एंड टेक्ला हैड अ सन कॉल्ड विलियम। अ यंग कपल मैनफर्ड एंड टेक्ला हैड अ सन कॉल्ड विलियम। इस जवान जोड़े का, टेक्ला और मैनफर्ड का, एक बेटा था जिसका नाम था विलियम। द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप एंड वॉच हिज फादर। द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप एंड वॉच हिज फादर। उसका बेटा पसंद करता था अपने बाप के साथ वर्कशॉप में रहना और वो देखता था अपने बाप को। एज ही ग्रू ओल्डर, वो बड़ा होता जा रहा था। ही हेल्प हिज फादर टू फिचिंग एंड कैरिंग थिंग्स। वो उसको दिलकश चीज़ें बनाते देखता और चीज़ें ला कर देता। ही लर्न टू क्लीन द टूल एंड टेक केयर ऑफ देम। वो सीखता कि वो कैसे अपने टूल्स को, अपने हथियारों को टेक केयर करता है और उनको साफ रखता है। ही लर्न हु टू यूज़ अ सॉ एंड ही हैमर एंड द चेसल। ही लर्न, वो सीखता हो टू यूज़, कैसे यूज़ करते हैं आरी को, हैमर हथौड़े को, चेसल यानी कि जिससे चीज़ें बनाते हैं। एंड हिज ग्रैंडफादर टॉट हिम द क्रैव वुड इन टू वंडरफुल शेप्स। एंड ही उसका ग्रैंडफादर कैसे बनाता है मुजस्मे, काट कर नक्श बनाता है मुख्तलिफ शेप्स में यानी देता है। नेक्स्ट, द ग्रैंडफादर वाज वेरी ओल्ड नाउ and getting older every day. The grandfather was very old now and getting older
एवरी डे उसका जो ग्रैंडफादर था वो ना इन डेज में ज़्यादा बूढ़ा होता जा रहा था, और एवरी डे वो और ज़्यादा बूढ़ा होता जा रहा था. ही वॉज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत मज़बूत नहीं था. हीज आइज वे डिम एंड कुल नॉट सी वेल, उसकी आइज की साइड जो है वो डिम होती जा रही थी और वो अच्छे से नहीं देख पाता था. समटाइम हीज हैंड शॉक एंड समटाइम ही सेट अ चेयर एंड नॉडेड ऑफ, कुछ किसी वक्त उसके हाथ जो है वो कपकपा रहे होते थे, एंड सम टाइम वो चेयर पे बैठा होता तो उसका सर भी हिलता था. इन द इवनिंग, एक शाम, व्हेन दे ऑल सिट डाउन द डिनर एट द टेबल, एक शाम को व्हेन जब वो सब बैठे थे डिनर करने के लिए टेबल पे, मैनफर्ड एंड टेक्ला यूज्ड टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर. मैनफर्ड और उसकी बीवी टेक्ला यूज्ड टू गेट एंग्री, वो नाराज़ होती है विद ओल्ड ग्रैंडफादर, अपने बूढ़े उसके दादा पर. ही सा स्लो एंड क्लैम्सी, वो कुछ खा रहे थे स्लो आहिस्ता क्लैम्सी बेसलीके से. सम टाइम ही ब्रोक द ग्लास, कभी कभी वो ग्लास तोड़ देते. सम टाइम ही ड्रॉप द स्पून, वो स्पून उनसे गिर जाता. एंड सम टाइम ही स्प्रेड द सूप ऑन हीज क्लोथ्स, ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल. सो किसी टाइम उनका सूप भी उनके कपड़ों पे गिर जाता. एंड ही वॉज नो ओल्ड मैन आफ्टर ऑल, वो आखिर के वो एक बूढ़े आदमी थे.